इतना ही है जी रस के बारे में। जी फिर से पढ़ता हूं मैं, है न तु केवलम, न तु केवलम, आप लोग भी ध्यान से सूत्र को देखिएगा, न तु केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्मकाणि भवन्ति, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभावाद द्रव्य प्रभावाद च तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तद् अधिकरणमासाद्य ताम ताम च युक्तिमर्थं च तम तम अभिप्रेत्य यत कुर्वन्ति तत्कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तद् अधिकरणं यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यद् साधयन्ति तत्फलम्। वाह कितना बढ़िया शब्द बताया। अब इसके अर्थ देखिए जरा। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भैया जो द्रव्य है उसके जो गुण है, जैसे पार्थिव द्रव्य अगर है, कोई पार्थिव द्रव्य है तो उसके कौन कौन से गुण है? बुरु है, खर है, कठिन है, मंद है, स्थिर है। ये हम लोगों ने महाभूत के संदर्भ में किसी द्रव्य में जो महाभूत है उसके गुणों को हमने पढ़ा था। फिर वहाँ इन्होंने बताया कि कोई भी द्रव्य किसी व्यक्ति के शरीर में अपने महाभूत के गुणों को लेकर के जाता है और उस शरीर में जो भी उस गुण से, उस महाभूत से संबंधित जो भाव पदार्थ है उसका निर्माण करता है। अगर मैं कहूँ, अगर कोई आदमी अश्वगंधा खाता है तो यह पार्थिव द्रव्य की अधिकता होने की वजह से शरीर में पृथ्वी तत्वों की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में मोटापा आदि बढ़ेगा। अगर कोई आदमी बिदारा, इसमें पार्थिव तत्वों की अधिकता है, अगर कोई आदमी युक्तिपूर्वक खाएगा तो क्या होगा? उसके शरीर में मोटापे बढ़ेगा। मोटापा बढ़ना यानी पार्थिव की वृद्धि होना। कोई आदमी अगर ककड़ी खाता है, खीरा खाता है, गाजर खाता है या ऐसा ही कुछ चीज़ें खाता है जो द्रव बाहुल्य है, उसकी अधिक सेवन करेगा तो क्या होगा? शरीर में जल की वृद्धि होगी। जब जल की वृद्धि होगा तो कौन कौन से उसके क्रियाएं होंगे वो कल हम लोगों ने देख ही लिया था। तो फाइनली कल तक हम लोगों ने ये पढ़े थे कि जो द्रव्य है वो अपने गुणों के आधार पर शरीर में काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ बताते हैं 13वें सूत्र में कि न तु केवलम गुण प्रभावाद एव द्रव्याणि कर्मकाणि भवन्ति। कोई भी द्रव्य सिर्फ गुण के ही आधार पर वह द्रव्य काम करने वाला नहीं होता। हाँ, कोई भी द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रधान जो गुण है, जैसे अगर हम कहेंगे नीम के पत्ते, तो नीम के पत्ते में कौन सा गुण है? आकाश है। आकाश प्रधान गुण होने के वजह से, वायु प्रधान गुण होने के वजह से वह शरीर में रुक्षता ड्राइनेस को पैदा करने वाला होगा। फलस्वरूप वह शरीर में कफ के, पृथ्वी और जल ये दो तरह के जो महाभूत है इसको ये समाप्त कर देगा। अपने विपरीत गुणों को नाश करने वाला वो होता है। यहाँ तक आया होगा समझ में। अब यहाँ 13वें नंबर में सूत्र में एक ये बताते हैं कि महाराज इतने तक में नहीं टिकना है। जो द्रव्य है न तो केवलम गुण प्रभावाद एव, एव यानी ही, उतना पर्याप्त नहीं है कि कोई भी द्रव्य अपने सिर्फ गुणों से ही शरीर में काम करते होंगे। गुण का मतलब क्या है? रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, ये सभी क्या है? द्रव्य के गुण है। तो ये बताते हैं कि कोई द्रव्य सिर्फ अपने गुणों से ही काम नहीं करते। हाँ, गुण उस द्रव्य के माध्यम से जो शरीर शारीर जो दोष है उसके गुणों को बढ़ाता है जरूर। जैसे आपने निरंतर पृथ्वी महाभूत वाला गुरु गुण का सेवन किया
जैसे आपने दूध पिया तो क्या होगा, वो गुरु गुण है निरंतर दूध के सेवन। वैसे भी आयुर्वेद एक रस के अभ्यास करने को मना करता है। एक रस यानी अगर कोई आदमी कहे कि महाराज ऐसा है आपको मोटापा हुआ है, आप एक काम कर लो, ये कुछ आटा है जिसमें आप बाजरा डालो, जौ डालो, अगड़म डालो, बगड़म डालो, आटा बनाओ और रोज उसी को आप खाओ, तो वो किस गुण वाला है? वो रुक्ष और गुरु, ये दो स्पेसिफिक गुण वाले हैं। वो कुछ और खा ही नहीं रहा है, वो क्या खा रहा है? सिर्फ रुक्ष और गुरु। कौन सा रस वाला खा रहा है? सिर्फ तिक्त, तिक्त रस प्रदान या कटु रस प्रदान, ये दो ही रस वो सेवन कर रहा है। आयुर्वेद बोलता है कभी भी अगर व्यक्ति, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे वो अस्वस्थ हो, एक रस नहीं बल्कि उसको तमाम जितने षड रस है हमारे, सभी रस का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शरीर में सभी रस अपने अपने महाभूत का निर्माण करके आवश्यक और अनावश्यक चीजों को संभालता है। एक रस का सेवन करेंगे उसकी वृद्धि होगी और विपरीत रस जो है क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। इसीलिए न तो केवलम गुण प्रभावात एव द्रव्याणि का, कोई भी द्रव्य सिर्फ अपने गुणों के प्रभाव से ही प्रभावित नहीं करता। द्रव्याणि ही कोई भी द्रव्य, द्रव्य प्रभावात, वह द्रव्य अपने द्रव्य प्रभाव से, गुण प्रभावात वह द्रव्य अपने गुण के प्रभाव से, और द्रव्य गुण प्रभावात वह द्रव्य अपने द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से शरीर में काम करते हैं, शरीर को प्रभावित करते हैं। तो जरा इसको जरा समझते हैं कि ये द्रव्य पदार्थ का अर्थ हम यहाँ किस तरह से लेंगे। तो देखो, द्रव्य प्रभावात का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने एरंड खाया, एरंड खाया, यह जो एरंड है, एरंड का जड़, या आपने कस्टर्ड ऑयल आपने लिया, कस्टर्ड ऑयल लेने से जो उसको लूज मोशन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? लूज मोशन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य का प्रभाव कहेंगे या उसके गुण के प्रभाव कहेंगे, बताइए कोई। ये गुण का प्रभाव है, गुण। कैसे? सर वो स्निग्ध गुड़ है, स्निग्ध गुड़ है, कफ का कुछ गुड़ है और कुछ पित्त का गुड़ है और वायु का लोमन, इसी से वायु वायु का पांडु लोमन लोमन, आती गुण जो होता है, होती। गुण जो होता है वो शरीर में जो एनाटोमिकल क्रियाएं करती है, द्रव्य का जो गुण है वो क्या करता है? गुण शरीर में एनाटोमिकल जो क्रियाएं हैं वो करती है, धातुओं को क्षय करना, वृद्धि करना, ये गुण करता है। जैसे एरंड जो है, एरंड तेल कौन सा गुण है उसका? एरंड तेल का गुण कौन सा है? स्निग्ध स्निग्ध गुण है। दूसरा कौन सा है? उष्ण, उष्ण स्निग्ध है। उष्ण उष्ण हाँ, है सर। और दूसरा, तीसरा कौन सा है? लघु गुण है, कषाय सरगुण है। सर, सरगुण है, सॉरी सरगुण सरगुण है। उसके बाद चौथा है है, कषाय। अनुलोमन है, नीचे की ओर धक्का देने वाला, ये इसके गुण है। तो यह एरंड का जो ये गुण है वो अपने उस एरंड नाम के उस वनस्पति के अंदर समाहित है। वो उन उन कर्म कार्यों को, कोई खिसका रहा है, कोई उसको पका रहा है अपने उष्ण से, कोई स्निग्ध से उसको लिक्विड करके उसको चिकना बना रहा है, ये उसके कर्म है, ये उसके गुण प्रभावात है। क्या है ये? लेकिन द्रव्य प्रभावात क्या है कि वह द्रव्य जो एरंड है वो उस द्रव्य का एक प्रभाव है, कि वो द्रव्य जब शरीर में जाता है तो वो विरेचन कर देता है। फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? एरंड कर रहा है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? दंती नाम का जड़ी जो है
लूज मोशन कर रहा है, अमलतास लूज मोशन कर रहा है। तो द्रव्य का काम क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को उसमें देख दिखाने वाला जो प्रभाव है, अनुलोमन कर रहा है, ये उसका हो गया द्रव्य का प्रभाव। यानी एरंड जैसे ही किसी को लूज मोशन कराने के लिए जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, एरंड तेल ही सोचते हैं, यानी हम किसी द्रव्य को सोच रहे। हाँ ये द्रव्य हमने हमारे दिमाग, हाँ यार इसको लूज मोशन करानी है, एक काम करते हैं इसको मैं एरंड तेल दे दूंगा। तो एरंड तेल क्या हो गया, द्रव्य हो गया। अब गुण क्या है, वही अनुलोमन कर रहा है, जिस तरह से वो फिजियोलॉजिकल शरीर के अंदर जा करके जो काम करता है, श्रुत सो में कैसे लिपापोती करना, कैसे चिकनाहट करना, कैसे सर नीचे कुर सरकाना, कैसे स्निग्ध चिकनाहट पैसे पैदा करना, कैसे उष्ण गुण से जो सूखे हुए जो अणु है परमाणु है उसको जगाना, ये सारा का सारा जो काम है उसके गुण कर रहा है। आ रहा समझ में? तो ये द्रव्य है, तो ये क्या बोलता है कि द्रव्य सिर्फ अपने गुणों से ही नहीं बल्कि द्रव्य में खुद भी वैसे प्रभाव है कि वो चीजों को कर जाता है, गुण का नहीं उस द्रव्य का भी स्पेशल प्रभाव है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए क्या बोला है यहां पर, द्रव्य गुण और प्रभाव। कर्म, हाँ गुण और कर्म दोनों हो गए। दोनों हो गए उस एरेंडा में, अमलतास में दोनों हो गए, लूज मोशन भी कर रहा है और जो उसका जो गुण है वो भी है। उन गुणों ने अंदर जाकर के एनाटॉमिकल शरीर के अंदर कैसे कैसे हार्मोन्स को कैसे कैसे इंक्रीज करना, कौन से अग्नि को उठाना, किस क्लेद को किधर हटाना, वो इंटरनल शरीर के अंदर जाकर के जो कर रहा है वो क्या है, वो गुण है। और जो दिया जा रहा है पदार्थ रूपे नाम वाला, हाँ सर इसको विशेष कर्म बोलेंगे क्या? हाँ इसको विशेष द्रव्य, इसको देखो विशेष कर्म द्रव्य लेंगे और क्या गुण जो हो गया। होता अरे सीधी सी बात समझ लो जी? भैया, द्रव्य और गुण का मतलब द्रव्य में वो जड़ी बूटी का नाम आ गया, गुण में उसके कर्म आ गया। तो कोई भी जो द्रव्य है, द्रव्य प्रभाव से, गुण प्रभाव से, और द्रव्य और गुणों के प्रभाव से, द्रव्य और गुणों के प्रभाव से, द्रव्य गुण प्रभावात, द्रव्य और गुण के प्रभाव से काम करता है। अभी हमने द्रव्य इसका अर्थ जाना, गुणों के अर्थ हमने जाना, गुण के मतलब एक और चीज यहाँ हम ले लेते। मान लीजिए कि किसी आदमी को बुखार आ गया तो हम क्या देंगे, चिरायता देंगे। चिरायता के अंदर कैसे गुण है, किस तरह का रस है, तिक्त रस है। यह तिक्त क्या है, तिक्त यह उसका जो रस है, और वो जो तिक्त रस जो है अंदर जाकर के शीत गुण को उत्पन्न करके वह जो अग्नि है जो बड़ा हुआ है अपने शीत प्रभाव से, तिक्त रसात्मक जो शीत प्रभाव है उससे बुखार को नष्ट कर देगा। तो द्रव्य गुण प्रभावात यहाँ हो गया, चिरायता जो है, चिरायता तिक्त रस ये इसका द्रव्य का एक व्यवस्था हो गया, चिरायता द्रव्य है, तिक्त रस उसका रस हो गया। इसका गुण क्या है, गुण है शीत जो इसका गुण है वो अंदर जाकर के उस उष्मा को खत्म कर रहा है। तो द्रव्य गुण ये दोनों हमने यहाँ पर देख लिया। द्रव्य गुण को एक और अर्थ यहाँ पर ग्रंथकार लगा रहे, द्रव्य गुण प्रभावात एक और अर्थ यहाँ पर ये लेते हैं कि जैसे कोई आदमी ने कहा कि महाराज आपको चर्म विकार है, एक काम कर लो, काले हिरण का जो चर्म है, काले हिरण का चर्म ले आइए और उसमें उसको लपेट करके आप सो जाइए या बैठिए। काले हिरण तो क्या हो गया,
यहाँ जो कृष्णत्व है, जो कालापन है, यह उसका गुण हो गया, और जो हिरण है ये उसका द्रव्य हो गया। तो द्रव्य और गुण है, उन दोनों का एक साथ समावेश होकर के यहाँ पर, कि भाई वो दोनों ही, काला ही हिरण का चर्म चाहिए तभी जाकर के वो काम करेगा। तो एक साथ द्रव्य और गुण दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। किसी के शरीर में कोई द्रव्य, सिर्फ अपने गुण, अपने द्रव्य से काम, जैसे एरंड तेल अपने द्रव्य से काम कर रहा है, लेकिन इंटरनल देखेंगे तो गुणों से वो क्या कर रहा है, गुणों से वो कर रहा है उसको अनुलोमन करने की क्रियाएं कर रहा है। किसी को यहां समझ में नहीं आया तो बता देना। गुण प्रभावाच तस्मिन तस्मिन काले, अब जो द्रव्य है ताम तम युक्ति मासादे, अब ये कोई भी जो द्रव्य है, द्रव्य से और गुण से, इन दोनों कारणों से शरीर में काम करता है। तीसरे नंबर में इसने बोला काल, काल कहते हैं समय को। कोई द्रव्य अपने द्रव्य से, अपने गुणों से तो करता है, लेकिन द्रव्य समय का भी प्रतीक्षा करता है। समय का प्रतीक्षा करता है का मतलब, जैसे एक आम है, जब वो कच्चा होता है तो उसके प्रभाव और उसके गुण कुछ अलग होगा, जब वो पक जाता है तो उसके प्रभाव और गुण कुछ अलग होगा। आ रहा समझ में? तस्मिन तस्मिन काले, उस द्रव्य का जो काल यानी समय है ऋतु के संदर्भ में, उस तरह से ये काम करता है, या उसके काल यानी उसके अपना उत्पन्न और निर्माण होने की, वृद्धि होने की जो समय है उसके हिसाब से। अगर कच्चा आम है तो कच्चा आम एक तरह से काम करेगा, पका हुआ आम कुछ और तरह से काम करेगा। एक और उदाहरण यहाँ पर काल के संदर्भ में दिया हुआ है, कि किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हो गया, ये काल के संदर्भ में बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हो गया और दर्द जो है वसंत ऋतु के कारण से हो रहा है, वसंत ऋतु शोधन के संदर्भ में, वहां हम बमन करते, हम लोग पढ़ते पढ़े थे ना जी, वसंत ऋतु में शोधन किया जाता है कफ का, उस समय सिर में दर्द हो गया, तो वसंत ऋतु के प्रारंभ एवं सिर में भारीपन रहने पर शिरोविरेचन का कार्य किया जाता है, उस समय किया जाए अगर शिरोविरेचन वसंत ऋतु में, तो वो शिरोविरेचन फलीभूत होता है, प्रभावी होता है। लेकिन अगर वही शिरोविरेचन सर्दी के मौसम में किया जाए, शिरोविरेचन और बमन का काम क्या है, उद्वेगलित जो कफ है उसको बाहर निकालना, लेकिन हेमंत ऋतु में उद्वेगलित नहीं होता, वो संचित होता है कफ, वहां पर अगर आप बमन करेंगे तो ये सम्यक यानी पूरी तरह से, या शिरोविरेचन करेंगे, नाक में तेल लगाएंगे, घी लगाएंगे, तो ये उस लेवल में उसके ब्रेन की सफाई नहीं करेगा, है ना। नस्य कर्म का जो फायदा जो वसंत ऋतु में मिलना चाहिए, वो आपको हेमंत आदि दूसरे ऋतुओं में नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये काल का प्रभाव है। यानी कि अब वही नस्य करने के लिए अणु तेल, रोगी वही और दवाई वही, वसंत में तो काम कर रहा है लेकिन हेमंत में कर नहीं रहा है, या बसंत में बढ़िया कर रहा है और हेमंत में उस लेवल में नहीं कर रहा है। तो यहाँ फिर आप ये नहीं कह सकते, अरे यार ये तो डुप्लीकेट बनाया, तब तो बड़ा अच्छा था, कंपनी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं हुआ है, नॉलेज की कमी है हम में, कि जो शिरोविरेचन है जिस समय वो काल के प्रभाव की वजह से यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी एक आयुर्वेद सीखने वालों को जाननी चाहिए। दूसरे नंबर में अधिकरण, अधिकरण कहते हैं स्थान को। कोई द्रव्य स्थान विशेष में काम करने या न करने से संबंधित व्यवस्थाओं को तय करेगा। कोई द्रव्य किसी स्थान विशेष में उत्पन्न होने पर, निर्माण होने पर, उसके जो गुण है, द्रव्य है, जो प्रभाव है,
वो उसको परिवर्तित कर देगा, मतलब वो होगा जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि अकरकरा, ईरान में उत्पन्न होने वाला जो अकरकरा है उसमें ईरान का जो रुक्ष तीक्ष्ण लघु आदि जो गुण है वह गुण से संपन्न अकरकरा, उस अकरकरा का जो कार्य है उसके हिसाब से ईरान जो देश है वही सही है, और उस देश का जो गुण उस अकरकरा में है तो आप हिंदुस्तान में लेकर के कफ के क्लेद है, गुरु है, स्थिर है, इस तरह के दोष के विपरीत रूप में अगर आप प्रयोग करते हो तो वो काम करता है। लेकिन कौन सा वाला, नेपाल में या इंडिया में तैयार किया हुआ जो अकरकरा है, विशेष करके अगर कोई आसाम में रह करके कहे कि भैया मैं इसको तैयार करूं यहाँ पर अकरकरा की खेती करूं, तो अकरकरा तो वही है, जड़ भी वही है, बनेगा भी वैसा ही, फूल भी वैसे, जड़ भी वैसे ही, शायद टेस्ट भी वही। लेकिन जब हम उसके गुण की बात करते हैं तो ईरानी जो अकरकरा है वैसा खरा, वैसा क्वालिटी वाला नहीं बन सकता। ये क्या है, ये स्थान और अधिकरण का भेद है। आ रहा है, ये क्या है, ये अधिकरण का भेद है। दूसरे नंबर में तस्मिन् काले तद अधिकरणम, अधिकरण यानी उसकी जो आधार है, अधिकरण का मतलब क्या है, उसका जो आधार है, उत्पन्न होने की जो आधार है वही उस पदार्थ के गुणों को डिसाइड करता है कि हमें यहाँ कहाँ से क्या कुछ लेना चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद आया अधिकरणम आसाद्यम तम तम च युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रत्ययत कुर्वन्ति। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो कुछ भी आप जो कार्य आप करते हैं या उस द्रव्य से जो कराया जाता है, इन सभी अभिप्रेत को ध्यान में रख के कहाँ प्रकट हुआ है, कहाँ तैयार हुआ है, किस ऋतु विशेष में, किस समय, वो कच्चा है या पका हुआ है, क्योंकि कच्चा जो वही द्रव्य कुछ और तरह से काम करता है, अगर वो पक जाए तो वही द्रव्य कुछ और तरह से काम करता है। आपको तो किसी ने कह दिया कि महाराज आप बाजार से ये जो है क्या बोलते हैं हरड़ लेके आओ, ध्यान से सुनना, अब बड़ा घोल है यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ। कोई द्रव्य मान लीजिए कि हरड़ या आंवला ज्यादातर बाजार में चलने वाली चीजें हैं, आप सभी लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ग्रंथ ने हरड़ के विषय में बताया है वो हरड़ कौन सा वाला बताया है, एकदम पका हुआ हरड़ जो वृक्ष से पक करके नीचे गिर गया मगर वो खंडित नहीं हुआ, टूटा नहीं है, कटा नहीं है, फटा नहीं है, उस हरड़ की बात हो रही है। वह हरड़ में मधुर रस की प्राधान्य, इसीलिए उसको वृषकर, इसीलिए उसको रसायनी बताया है। अगर आप किसी व्यक्ति के शरीर में रसायन करने के लिए और अनुलोमन आप चाहते हो कि मैं किसी को हरड़ दूं और यह हरड़ उस व्यक्ति के शरीर में लूज मोशन करा दे, ध्यान से सुनना, काल का प्रभाव द्रव्य में देखो और अधिकरण का प्रभाव उस द्रव्य में देखो। अब आपको तो मालूम ही नहीं है कि यह हरड़ जो बाजार में आया है वो कच्चा है, एकदम पिलपिले में ही निकाल करके बाजार में ले आया, या भरी जवानी में लेकिन कच्चा अभी पका नहीं है, कसाई प्रदान उसको लेके आया, या एकदम पक्को अवस्था में। मुझे नहीं लगता कि हरड़ जो बाजार में आता है एकदम पका हुआ होता है, वो कच्चे ही तोड़ के ले आते हैं। अब कोई ईशुकांत जी बताइए या कोई मुझे बताए, जो कच्चा हरड़ है उसमें कौन सा रस होगा, बताइए, कसाय परिपूर्ण कषाय होगा। अब उस कषाय को आप पढ़ के सुनिए, पढ़ाइए, पढ़ के सुनाइए, कषाय रस का कर्म क्या क्या है, कल परसों हमने पढ़े थे, कहिए। शोषण है सर, शोषण स्तंभन है है, सर, स्तंभन। चलो ये और दोनों चीज लेते हैं। कषाय रस जो है प्रबल रुक्ष गुण वाला है, सभी द्रव्य में जो सबसे अधिक रूखा अगर कोई है तो वह है कषाय।
अगर वो कच्चा है तो उसके अंदर कषाय रस की अधिकता होगी, यानी उसके अंदर रूखापन होगा। रुक्ष गुण कौन सा दोष का है? वायु का है। क्या काम करता है? स्तंभन करता है भैया, कषाय रस स्तंभन करता है, जकड़ देता है, स्तंभन करता है, रोग देता है, कफ के क्लेद को एकदम पकड़ के रखता है। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन आदि जैसे हो रहा है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, किसी को रक्त स्राव हो रहा है, तब कषाय रस दिया जाना चाहिए। मगर आयुर्वेद क्या बोलता है हरड़ के बारे में? यह तो वृष्य है, यह तो रसायन है, यह तो अनुलोमन है, यह तो पेट को साफ करता है, यह तो अपान वायु में जो कफ है उसको तोड़ मरोड़ करके धक्का मार देता है, लेकिन शरीर को कमजोर भी होने नहीं देता। तो क्या यह संभव है जो कच्चा है हरड़, उसमें इस तरह का गुण होगा क्या? कोई बताइए मुझे, होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कषाय रस प्रधान है। क्या करेगा? हरड़ दोगे और वो मल को, अरे सर क्या बताए, हरड़ तो बाजार से लेके आया था, उसको खाने के बाद तो और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लग पड़ी, सर शरीर में कमजोरी आ गया। हरड़ रसायनी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पक्व नहीं है, अपक्व है, कच्चा है। तो वह जो हरड़ है उसकी जो अधिकरण, उसकी जो क्रियाएं, उसके जो गुण और प्रभाव है उस तरह से दिखेगा नहीं, क्योंकि द्रव्य में काल के परिणाम स्वरूप वैसा गुण अभी नहीं है, अभी जल्दी उसको तोड़ दिया गया। अच्छा, तोड़ तो दिया, ऊपर से उसने सुखा दिया, सुखा हुआ और ज्यादा कसाया और रुक्ष गुण वाला होगा, तब क्या होगा? तब होगा वही जो उस रोगी के लिए नहीं चाहिए था, हमने उसको दे दिया। भाई बाजार में मिलने वाला है, हमें क्या मालूम कहाँ से किसने तोड़। इसीलिए वैद्य वही उत्तम है जो अपने हाथ से जड़ी बूटियों का कलेक्शन करते। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं अच्छा अपने इसका मैं प्रैक्टिस करूं आयुर्वेद में, तो ये जरूरी है कि आप इसमें जड़ी बूटी अपने आप ही कलेक्शन करके आप लेके आइए। तो इस संदर्भ में इन सभी, उसके अपने ऑडियो को बंद करिएगा, इन सभी के आधार पर वो अपने गुण से, अपने द्रव्य से, अपने प्रभाव से, अपने अधिकरण से, समय के हिसाब से जो कुछ भी वो कर्म करता है, जो कुछ भी वो शरीर में करता है, उसे हम कर्म करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कर्म कहेंगे। देखो, तम अभिप्रत्ययत कुर्वन्ति तत्कर्मः। अभिप्रत्यय इन सभी चीजों को जान करके, अभिप्रत्यय यानी जानना, इन सभी चीजों को सम्यक रूपेण जान करके जो देता है और जो उससे कर्म कराता है वो कर्म है उस द्रव्य का। यानी कि हरड़ का कर्म क्या है? अगर वो पका हुआ है तो किसी व्यक्ति के शरीर में उसको ताकत देने वाली भी काम करेगा, अपक्व अन्न को, आम रस को भी पकाएगा, अपान वायु में स्थित जो अपान वायु में जितने भी जो कफ के परमाणु है उसको धकाधक अंदर से बाहर धक्का मारेगा, लेकिन कमजोरी भी होने नहीं देगा क्योंकि उसमें मधुर रस भी है। अगर कच्चा है तो क्या करेगा? कच्चा है तो फिर स्तंभन का काम करेगा। तो ये क्या है? ये उसका कर्म है। लेकिन किन गुणों से वो कर रहा है? किन गुणों से कर रहा है? रुक्ष गुण से कर रहा है। कच्चा अगर फल है तो जो रुक्ष गुण से जो कर रहा है, और कच्चा है, अपने रुक्ष गुण से उसको स्तंभन करने का जो काम कर रहा है, वह रुक्ष गुण से किए जाने वाला जो स्तंभन कर्म है वो क्या है?
ये न कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा किया जा रहा है यानी रुक्ष गुण से किया जा रहा है तो वीर्य हो गया, ये उसका वीर्य यानी इसका प्रभाव है। रुक्ष गुण से अगर वो पका हुआ है तो कुछ मधुर कुछ रुक्ष। अब यहां जब मधुर होगा तो रुक्ष के कारण से कफ के उन परमाणुओं को नष्ट नहीं करेगा जो प्राकृत है। वैसे तो कोई भी द्रव्य शरीर में जो प्राकृत दोष है उसको टच नहीं करता। कोई भी द्रव्य शरीर में विकृत दोष को ही टच करता है, उसी के ऊपर वो टूट पड़ते हैं। शरीर का निर्माण कुछ वैसा बनाया है प्रकृति ने, विकृत को टच करेगा, प्राकृत दोष को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो धातु साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में जो कोई भी द्रव्य है शरीर में पोषण ही करने का काम करता है, तो वो जिन गुणों से जो कुछ भी कर रहा है, अगर रुक्ष होगा तो रुक्ष किस तरह का है, कषाय रस कैसा है, यह शीत गुण प्रदान है, तो कौन सा वीर्य हो गया ये न कुर्वन्ति तद वीर्यम। अगर कषाय है अपने रुक्ष गुण से काम कर रहा है तो कषाय जो है वो शीत वीर्य वाला है, तो तद वीर्यम ये न कुर्वन्ति, ये शीत वीर्य से काम कर रहा है तो वो वीर्य वहां दिखाई दे रहा है। तो आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि कौन सा द्रव्य है, उसका कर्म क्या है, उसका गुण क्या है और उसका वीर्य क्या है। वीर्य दो ही होता है, लघु और गुरु या शीत और उष्ण। तो यहां जो हरण कर रहा है वो शीत वीर्य से काम कर रहा है, गर्मी को नष्ट कर रहा है, हरारत को खत्म कर रहा है। यत्र कुर्वन्ति, जहां वो, यत्र मीन्स जहां, जहां वो करता है हरण, कहां करता है, अपान क्षेत्र में। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, अधिकरण यानी आधार, जहां वे कार्य करते हैं अतः जहां कर्म परिलक्षित होता है। हाँ, ये कर्म इस जगह में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अपान क्षेत्र में हो रहा है। क्या कर रहा है वो, वहां मलों का निस्सरण कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, यदा कुर्वन्ति सकालः, जब, यदा यानी जब, कुर्वन्ति यानी करता है, वो जब करता है वही काल यानी समय है। कब करता है ये, अन्न के तृतीय अवस्था पाक का जो व्यवस्था है उस वक्त हरण अपना कार्य करता है। प्रथम अवस्था पाक में ये मधुर रस ही बनेगा, लेकिन उसके हरण में जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो परमाणु है, वो अभी भी जस का तस है। मधुर रस में भी बोलता मैं साइलेंट हूँ। द्वितीय अवस्था पाक में अग्नि का निर्माण करता है, करने में सहयोगी है क्योंकि रुक्ष गुण है, तो आग को थोड़ा सा वो करता है, लेकिन वहां पर भी कहता है मैं साइलेंट हूँ। जैसा ही तृतीय अवस्था पाक आएगा, कषाय रस से वायु को उत्तेजित कर देगा, तुरंत वो वायु उस कषाय रस के अंदर से परमाणुओं को विस्फोटित कर देगा, वहां पर बड़ा भयानक रुक्ष गुण वाला परमाणु प्रकट हो जाएगा और वही उसका तृतीय अवस्था पाक, जहां पर वो काम करेगा। क्या काम करेगा, अनुलोमन, मांस धातु का पाचन, ये सब के सब काम वो कहाँ कर रहा है, जहां उसके परमाणु टूट जाते हैं। तो कहाँ, यदा कुर्वन्ति सकाल, कौन सा काल है, अपान काल या अपान क्षेत्र में तृतीय अवस्था पाक, या काल या ऋतु के संदर्भ में भी, या काल यहाँ पर उसके उम्र के, उसके अवस्था के संदर्भ में, कि वो अगर पक्व अवस्था में है तो पक्व ये भी एक तरह का काल ही के अंदर अंतर्गत आ गया, तो पके हुए अवस्था में शरीर के अंदर कुछ और तरह से काम करता है, ये काल है। कच्चे भी कुछ और तरह से काम, लेकिन करता उसी जगह में है जहाँ पर वो, उसके परमाणु को पहुंचना चाहिए तृतीय अवस्था पाक में। यथा कुर्वन्ति स उपाय, जिस प्रकार से वो करता है यानी किस प्रकार से करता है, वो अनुलोमन कर रहा है, ये उसका उपाय है, उसी को सिद्धि बोलते हैं। तो
हरण का सिद्धि क्या है? हरण उस व्यक्ति के जितने भी जो अपक्व अवस्था है शरीर में, जो भी उसके परमाणु हुए अपक्व बनाने में, जो भी कच्चा टॉक्सिन्स है उसको। इसीलिए तो किसी के अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कहते भैया हरड़ जो है सौंठ के साथ दे दो, क्योंकि जितने भी जो अपक्व जो आम है, मल है, हरड़ हरड़ मल को बाहर निकालता है। लेकिन अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है तो तब हमें हरड़ देते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि उसका काल पका हुआ फल होना चाहिए। यत साधयन्ति तत् फलम्। इसको जो जानता है, इस चीज के इसके गुण आदि प्रभावों को देख करके जो इस चीज को कर सकता है। अभी हमने यहाँ हरड़ का उदाहरण दिया, आप यहाँ किसी और द्रव्य को रख करके आप यहाँ अभ्यास स्वरूप आप यहाँ पर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। इसी के संदर्भ में अन्य आचार्यों ने और आयुर्वेद भी किसी भी द्रव्य के जो कर्म है, जो गुण है, उसको जानने के लिए चार सूत्र दिया है। तीन सूत्र, सॉरी, आप इसको बेशक नोट करके रखिएगा, अपने क्लिनिक के दीवार में इसको रख लेना। तीन सूत्र कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का नाम है अनुमान, तीसरे का नाम है आप्तपदेश। कोई द्रव्य अब शरीर में जो वो कर रहा है, ये 13वां नंबर वाला सूत्र बहुत जबरदस्त है, इसको आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा सूत्र का अर्थ। मैंने आप लोग अभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग ग्रंथकार ने क्या क्या इसका व्याख्या किया है वो आप देख लो। लेकिन कोई भी द्रव्य जब हम देते हैं किसी के लिए, डिसाइड तो करना होगा ना, कैसे हमें पता चलेगा? जैसे अभी हमने कहा कि एरंड जो है वो अनुलोमन करता है, तमाम तरह के कार्य करता है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करे कि उसके लिए आधार क्या है हमारे पास? तो बोलते उसका हमारे पास तीन आधार है। एक है प्रत्यक्ष आधार। प्रत्यक्ष आधार का आधार क्या है? तो उसका आधार है हमारी जो रसनेन्द्रिय है, हमारी जो जीभ है, उस जीभ ने उस द्रव्य के जो रस को आस्वादन किया। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि महाराज नीम के पत्ते को चबाइए तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, आपने कभी नीम खाया नहीं था, कभी सुना ही नहीं था, भैया ये नीम आखिर होता क्या चीज है यार, मैं तो अच्छा डायबिटीज ठीक करता है, अच्छा हाँ, आपने पूरा आयुर्वेद पढ़ रखा है लेकिन नीम किस पक्षी का नाम है नहीं पता। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि महाराज मुझे नहीं मालूम यार, ले करके नीम दे दो, पत्ते लेके आया कच्चा और आपने उसको चबाया, ओ ये तो कड़वा है, कौन सा रस है? तिक्त रस है। जब आपको पता चला कि तिक्त रस है इसका प्रधान रस, तभी आपको पता चल गया कि तिक्त रस के गुण क्या क्या है, कौन से दोष को बढ़ाता है, कौन से दोष को कम करता है, कौन से महाभूत तिक्त रस में निहित है, अच्छा ये डायबिटीज क्यों ठीक करता है, अब समझ में आया किस तरह के डायबिटीज ठीक करता है, कैसे संप्राप्ति से तैयार हुआ डायबिटीज ठीक कर सकता है, वात प्रदान, पित्त प्रदान, कफ प्रदान, किस तरह के डायबिटीज में इस नीम नामक इस कड़वे रस को लिया जाए, आपको अंदाज हो गया। ये अंदाज कैसे हुआ सर्वे जी, आप अपने ऑडियो बंद करिए, ये अंदाज कैसे हुआ? ये हुआ प्रत्यक्ष, आपने अभी प्रत्यक्ष रूप से इसको आपने चाटा है। प्रत्यक्ष रूप से आपने इसको चाटा है तो आपको समझ में आ गया कीजिए। दूसरा है, आपको समझ में आया प्रत्यक्ष क्या चीज है? कोई चीज है प्रत्यक्ष रूप से आपको पता चल गया, आपने उसको खाया, आपने उसको खा लिया, या प्रत्यक्ष के रूप में हम क्या है कि प्रत्यक्ष का एक और उदाहरण देता हूं मैं, जैसे पिपली है, आपके सामने कोई व्यक्ति ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हाँ, आपके सामने एक व्यक्ति आया, कहा कि महाराज ये जो इसका नाम है पिपली, इसको खाओ आपको अच्छा लगेगा,
लेकिन आपको उसने ये नहीं बताया क्या काम करता है, इसका नाम क्या है, क्या काम करता है। मुंह में से लगा के देखा और कच्चा जो पिपली है उसका रस जो है मधुर होता है, थोड़ा मीठा मीठा सा होता है, तीखा थोड़ा ही होता है, बाकी ज्यादा मीठा होता है। तो अगर आप द्रव्य के गुणों को जानने वाले हो तो आप क्या सोचोगे, हाँ मधुर रस है, वृष्य है, ताकत देने वाला है, थोड़ा सा तीखा भी है, हाँ कटु रस है, अग्निवर्धक है, लेकिन जीभ में लगाते ही मुझे मधुर रस का अनुभूति हुई तो मैंने माना ये जो भी है ये मधुर रस वाला है, मैंने उसको रखा। 4-5 महीने के बाद मन में आया, हाँ यार वो एक था, चलो उसको खाता हूँ, मधुर रस है, अब मैं इसको खाऊंगा और शरीर मेरा अच्छा रहेगा, ताकत देगा वो, मधुर रस है। तो मधुर रस जो होता है गुरु स्निग्ध सारे गुण है उसमें। लेकिन जब 6 महीने के बाद मैंने संदूक को उठा करके, उस द्रव्य को उठा करके जैसे मैंने मुंह में रखा, मैंने कहा यार ये क्या बात है, वो मधुर रस तो है ही नहीं इसमें, कौन सा रस बन गया इसका, दिव्या जी बताइए, कोई बताइए कौन सा रस बन गया 6 महीने के बाद। सर हाँ पिपली जो है कौन सा रस का दिखता है, होता है सूखने के बाद, कटु रस, कटु कटु कटु, कटु आप ध्यान से सुनना। अरे बाप रे, मैं तो मधुर समझ रहा था, ये तो कटु दिख रहा है। आप यहां एक सूत्र नोट कर लो, कच्चे अवस्था में जीभ में लगाते वक्त अगर मधुर रस दिखता है, वही जब सूख जाए तो कटु अगर है लगता है जीभ में लगाने से, क्योंकि रस जो है ना आपके सुपरफिशियली जो जीभ है उस वक्त जो आस्वादन को अनुभूति करता है वही प्रधान रस है। कच्चे में मीठा था, सूखने के बाद कटु हो गया, अब हम क्या मानेंगे, हमारा सूत्र चेंज हो गया, सूखा हुआ पिपली कटु रस प्रदान है लेकिन उसका विपाक मधुर है। क्या इसका विपाक क्या है, मधुर है। कच्चा जो था मधुर रस प्रदान है लेकिन इसका विपाक कटु है। विपाक क्या है, जो रस आपको समझ में नहीं आता या थोड़ा थोड़ा आता है उसको हम बोलेंगे यह अनुरस है, अनु यानी पीछे से काम करने वाला, और प्रधान रस जो आपके जीभ में सहसा जीभ लगाने से जो रस आपको समझ में आता है वो द्रव्य कोई भी नाम वाला हो अपने उसी रस का जो गुण है जो कर्म है उस हिसाब से काम करता है। तो एक सूत्र यहाँ बांध के रख लो, कच्चे अवस्था में जो रस है लेकिन सूखने के बाद अगर वो रस के विपरीत कोई दिखता है तो जो दिखता है सूखने के बाद इस्तेमाल करने पर वो उसका प्रधान रस है, और जो कच्चे में दिखा था इसमें लेकिन जो अभी नहीं है वो इसका विपाक है। विपाक का मतलब है जो धातु पाक के, जो जठराग्नि का जो पाक क्रिया शरीर में, पाक से जो रस तैयार होता है उसके अंतिम रस का जो परिणाम है वह है। जैसे विपाक का अर्थ जो है अक्सर हम लोग धातु लेवल में जा करके जो वहाँ धातु के अग्नि, महाभूतों के अग्नि जब उसको पकाना शुरू करते हैं वहाँ से जो रस तैयार होता है वह भी, हालांकि वहाँ मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त ये रस के रूप में नहीं होगा, यहाँ किसके रूप में होगा, यहाँ वीर्य के रूप में होगा, वो शीत है या उष्ण है इस रूप में होगा। रस जो है ये अवस्था पाक तक ही रस का संबंध होता है, प्रथम अवस्था पाक में मधुर, द्वितीय अवस्था में अम्ल, तृतीय अवस्था में कटु, अम्ल के बाद लवण, कटु के बाद तिक्त और कषाय, ये इसकी क्रम है अवस्था पाक में, छोटी आंत बड़ी आंत स्तमक यहां तक अवस्था पाक है। निष्ठा पाक या विप्रकृष्ट पाक या विशेष पाक जो धातु में जा करके होगा वहां रस नहीं होगा,
वहां सॉलिड प्रोडक्ट जरूर होगा लेकिन वह वीर्य सीत है, जैसे अभी मैंने कहा पिपली, स्टमक में आया ये कटु रस प्रदान काम करेगा, लेकिन जब धातु में जाएगा निष्ठापाक में, तो वहां वो उसका मधुर विपाक जो था वही वहां जाकर के धातु को पोषण देने वाला। इसीलिए पिप्पली रसायन करने वालों से पूछो, कहता है सर शरीर में बड़ा ताकत हो रहा है, मजा आ रहा है, ताकत हो रहा है, एकदम ताकत मिल रही है, शरीर बड़ा रष्ट पुष्ट हो रहा है, क्योंकि धातु लेवल में जो निष्ठापाक है वहां जाकर के वो मधुर रस के जो परमाणु है, जो कच्चे में आपको मीठा लगा था, वो वहां जाकर के टूटेगा। आ रहा है समझ में? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे क्रमशः हम, क्योंकि ये 26 और 27वां अध्याय को हम एक एक सूत्र करके समझेंगे, इसको हम बेईमानी नहीं करेंगे, फिर आगे फिर हमारा जो स्थिति है फिर वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चरक संहिता में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो पैसे है वो नहीं दिया है, 600 500 को भी आप दे दो, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज़ आप लोग दे दो। देखो हमारा भी इसमें मेहनत है, आप लोग भी इसमें शायद सीख रहे होंगे, अगर नहीं सीख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बताइए। अगर आप इस श्रृंखला में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो चरक का भी हमें थोड़ा थोड़ा आपको, या तो आप सेरेन ऑन कर लीजिएगा, कुछ तो आपको करना ही होगा, है ना। वेबसाइट में जाइए और वहाँ सेरेन ऑन ऑप्शन है, उसमें अपने फ्रेंड को अपने मित्रों को आप उसको आप शेयर करिए, वहाँ से आपको 600 रुपये अमाउंट मिलेगा। रोज क्लास में आने से पहले थोड़ा सा फेसबुक में व्हाट्सएप में डाल करके बस क्लास में आ जाइए, तो मेरा भी थोड़ा जुगाड़ उसमें बैठ जाएगा। महाराज गरीब आदमी हूँ, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बस इसीलिए अब मेरा रोजी रोटी यही है आजकल, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। चलिए।